पूंछ जिले के डीडीसी उपाध्यक्ष मोहम्मद अशफाक चौधरी ने मेंढर विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आज अकेले ही चुनाव लड़ने और अपना पर्चा दाखिल करने का फैसला किया। अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। नमनीशी फार्म आज दो दिन से खरीद जा रहे हो, आज भी जो है नमनीशी फार्म खरीद जा रहे थे, तो आज आपने कैसा किया कि हमें अकेले ही जो है आपको नमनीशी फार्म जमा करूँगा, इसका मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलआकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। जैसे कि आपने पूछा मुझे कि आपने अकेले ही क्यों ये फैसला लिया फॉर्म भरने का, मैं अवाम की मजबूरियों को समझते हुए मैंने अपने आप को बहुत आजिज़ाना तरीके से और मुखलसाना तरीके से अपने आप को अकेले ही ये फैसला लिया, और मेरे कारवां ने मेरे साथियों ने इस मेरे हौसले को और मेरे इस अज़म को सराहना किया और बहुत अप्रिशिएट किया कि ठीक है आपका ये जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं नॉमिनेशन फॉर्म जो है सबमिट करने जा रहा हूँ, और मैंने इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है एक दुआया मजलिस जो अचानक ही ऑर्गेनाइज हो गई, ऐसे दफ्तर से निकलने से पहले मैंने तो किसी को कॉल नहीं की कि आप आ जाओ, लेकिन हस्बे मामूल मेरे ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह 100 बंदा तो इकट्ठा रहता ही है, लेकिन मैंने अपने आप को खुशनसीब समझते हुए ये समझा कि मैं अल्लाह की तलावत से और दुआ के साथ मैं अपने कारवां को शुरुआत करूं, और ये नॉमिनेशन फॉर्म जो है एक दोया मजलिस से ही आगाज़ करते हैं जिसका शुरुआत करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون। जो लोग हक को लबैक करने वाले हैं, जो सच्चाई को लबैक करने वाले हैं, वो चाहे गुज्जर हूँ, पहाड़ी हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, जो भी भाई मेरे हैं, सब भाइयों ने मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे बहुत ही हौसला अफजाई मेरी की। मैं मेरे मालिक, मैं तेरे नाम से ये शुरू करता हूँ, या अल्लाह तेरे ही नाम से ये कारवां को कामयाबी और कामरानी के लिए इल्तजा करता हूँ। या मेरे मालिक, हमारे इस गुलदस्ते में, हमारे भाइयों में भाईचारा रख। या अल्लाह, जो जालिम इकट्ठे होके इस मिशन को दबाना चाहते हैं, या अल्लाह अगर उनके सीने में
यह है कि एक हक की आवाज को दबाएं तो उनके हौसलों को पस्त कर दे। या मेरे मालिक, या मेरे मालिक, तू दिलों के राज जानने वाला है, तू दिलों के भेद जानने वाला है। हमें इंसानियत की खिदमत का बेड़ा उठाया हुआ है, हमने इस मेंढर को तारीख का मेंढर बनाने वाले हैं। हमने ये अज़म किया हुआ है, हमने ये अज़म किया हुआ है कि हजरत उमर का नक्शा इस धरती पे कायम करें। आमीन। और हमने अज़म किया हुआ है कि जम्मू कश्मीर में इस मेंढर को एक मिसाली मेंढर पेश करूं। मेरे साथियों ने, मेरी आवाम ने मुझे हौसला अफजाई की और मेरे इस वादे पे मुझे लगता है मेरी आवाम यकीन करती है। मेरी आवाज को दबाने के लिए किस्म किस्म की बातें की जाती हैं। कभी शराब की बात कहती है, कहते हैं जी ये शराब खोलने के लिए कह रहा है। कभी कहते हैं जी जनाब इसने ये कह दिया, वो कह दिया। सियासी लोग ऐसे प्रोपगंडे करते हैं। मेरी आवाज को दबाने के लिए बातिल जो है यकजा हुआ हुआ और जुड़ा हुआ है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि मैं हक की आवाज को लेके निकला हूं। मेरी इस आवाज को चार चांद लगाए। मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। शुक्रिया, शुक्रिया। वमा अलैना इल्ल बलाग। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम। रब्बना अफरिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। आमीन। या अरहमर राहिमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। ला युकज्जिबुका बादु बिद्दीन अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। आमीन। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين। اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم। آمين। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين। آمين। या अल्लाह पाक, हम सब ने जो भी कलामे पाक पढ़ी या अल्लाह, इसका हदिया तोहफा जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करते हैं। या अल्लाह, या अल्लाह पाक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज दिन तक ईमान वाले मर्द औरतें इस दुनिया से चले गए, तमाम के रूहों को सवाब। या अल्लाह, या अल्लाह, शोहदाए करबला, तबा ताबीन, बुजुर्गान दीन, मशाइख इस्लाम, औलिया अल्लाह, जो भी ईमान वाले मर्द नेक बद इस दुनिया को छोड़ बैठे, तमाम के रूहों को सवाब। या अल्लाह, या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक, हाजरीन मजलिस के अबाव अजदाद जितने भी इस दुनिया से चले गए, इस फानी दुनिया को छोड़ बैठे, तमाम के रूहों को सवाब। या अल्लाह, खसूसन या अल्लाह, आज की जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, दोया मजलिस, या अल्लाह, हम तेरे ही नाम से शुरू करते हैं। या अल्लाह, इस हमारे कारवां में तू ही बरकत डाल। या अल्लाह पाक, हमने एक अज़म किया हुआ है जुल्म और जबर के खिलाफ जंग लड़ने का। या अल्लाह, या अल्लाह, जिस तरह अवाम ने हमारी आवाज़ को 3 साल में समझ लिया, या अल्लाह, मैं कहता हूँ कि ये आज का जो मुद्दा है हमारा, इस मुद्दे में भी अवाम के दिलों को हमारे लिए नरम फरमा। आमीन। या अल्लाह, या अल्लाह, तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम इंसानियत को, या अल्लाह, हक और बातिल के बीच में फर्क करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, बेशक
या अल्लाह हम इकरार करने वाले मुजरम हैं, या अल्लाह हम इकरारी मुजरम हैं, हमने दिन के उजाले में भी बहुत गुनाह किए, रात की तारीखियों में भी गुनाह किए, या अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। या अल्लाह हमारी सयाद पर नज़र न रखते हुए हमारे इस कारवां को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। या अल्लाह हमने अपनी खताओं पे पूरी नज़र है, या अल्लाह तू बख्शने वाला, तू मेहरबान है। या अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने नेक बंदे, अपने नेक औलिया, सहाबा, तमाम शोहदा के तफैल, या अल्लाह हमारी इस जदोजहद को कामयाब फरमा। या अल्लाह पाक हम आज नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं, और मैंने और मेरी आवाम ने ये फैसला किया है कि नहायत ही अजजाना तरीके से एक ही बंदा मैं फॉर्म भरने के लिए जाऊंगा, और आवाम ने ये फैसला किया है कि हम एक तारीखी रैली जिसमें अपना ताकत का मजाहरा जो है इंशाल्लाह अपनी एग्जिस्टेंस लोगों के बीच में दिखाएंगे इंशाल्लाह, उसकी तारीख जो है 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में होगी इंशाल्लाह। पूरी आवाम मेरे इस फैसले को सराहना किया और लोगों ने इस फैसले को अप्रिशिएट किया। मैं सबको अजर अजीम के लिए अल्लाह तुझसे दरख्वास्त करता हूँ। या अल्लाह हमें दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे कारवां को हक सच बोलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक अगर मेरे सीने में लूट कसूट और जुल्म और जबर का इरादा है तो मेरे इस अजम को नेस्तो नबूद कर दे। या अल्लाह पाक अगर मेरे इस इरादे में, मेरे सीने में पिछले 3 साल से जब मैंने देखा, जब मैंने एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बहुत गौर से सुना कि जब तुम दुनिया में बुराई देखो, जब जिसका मफहूम है ये कि जब तुम बुराई देखो तो उसको अपने हाथ से मिटाओ, अगर उसकी ताकत नहीं रखते हो तो उसको अपने जुबान से मिटाओ, और अगर उसकी भी ताकत नहीं रखने तो दिल से बुरा जानो। मैं और मेरे साथी अपने हाथ से मिटाने की ताकत रखते थे, ऐ अल्लाह पाक हम उसमें खरे और सच्चे साबित हुए इंशाल्लाह। या अल्लाह अगर कोई भूल चूक उसमें रह गई है तो तुम माफ फरमा। आमीन। या अल्लाह हमने जानबूझ के कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की है। या मेरे मौला हमने इंसानियत को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करने के लिए एक अजम किया है, एक इरादा किया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। मेरे देश की परंपरा जो तमाम इंसानियत को इकट्ठे रह के हिंदुस्तान का गुलदस्ता जो है वो परवान चढ़ रहा है, हमने ऐसा आजम किया हुआ है कि इस कारवां को और आगे बढ़ाएं और अपने देश की शान और शौकत को दुबला करें। आमीन। और मैं अल्लाह पाक तुझसे दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क में अमन, चैन, सुकून पैदा कर। और इस मजलिस में ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह अगर हमारे सीने में ये अजम है कि हम चोरी करेंगे, हम लूट कसूट करेंगे, हमारे इस अजम को दफना दे, हमें एक कदम आगे चलने की तौफीक ना दे। लेकिन मुझे तेरी जात पे ये गालिब गुमान है कि जिस दिन पहले DDC का इलेक्शन मैंने लड़ा उसमें भी ये दुआ की थी कि मेरे मालिक मैं तुझसे मशवरा करता हूँ, तू मुझे हक पे अगर रखे, या अल्लाह मेरे सीने में ये अजम है कि मैं अपना दर्द लोगों को सुनाऊँ और मैं एक तारीखी मेंडर बनाऊँ। लेकिन आज मेरे अल्लाह ने मैं आवाम के बीच में सर उठा के चलता